इन पर सल्फर किया गया है नीचे नीचे वाली पत्तियों का, ठीक है। अपना ये 110 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसको भी मिर्च को भी ये तैयार किया गया। तो इस पे देखना है कि मिर्च पे फ्लोल झड़ते हैं या नहीं, इस पर भी किया गया और ये यहाँ पर भी किया गया, और ये यहाँ पर भी है सल्फर हाइड्रोज मिर्च पे। तो फूल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते, एक तो ये चीज़ें दिख जाएगी छोटे फूलों पर भी ऐसा, जो गर्मी में बताते हैं। तो मार्च 5 मार्च तक का है, 5 मार्च 6 मार्च तक, और ये टमाटर पर भी दिया गया है हैवी डोज, ठीक है, 10 ग्राम प्रति। अगर इसको कर लेते हैं तो इंसेक्ट की समस्या ख़त्म हो जाती है, 10-15 ग्राम, 10 से 11 ग्राम प्रति पंप। और इस पर भी कुछ पौधों पर वहाँ तक दिया गया है, 10-12 पौधों पर, और इस लाइन पर दिया गया है, ठीक है, और इस पर भी थोड़ी दूर तक दिया गया है, और इधर भी टमाटर पे ये वहाँ तक 5-5, 7-7, 8-8 पौधों पे, इन पे सब पे दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये तरबूज भी आ गया, और उधर भिंडी में लगा हुआ है जो छोटा छोटा तरबूज, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, इस लाइन को हमने सल्फर से पहले इसमें दिया होगा तो छोड़ दिया अभी इसको, कि देखते हैं उसमें और उसमें फूल में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने भिंडी पर सल्फर किया ही इधर, ठीक है। उसके अलावा हमने उधर आपका गिलकी है और टमाटर के छोटे पौधे हैं उन पर भी किया है, तो उनको भी हम इस वीडियो में देख ले ताकि रिमाइंड रहे कि हमने कहाँ कहाँ सल्फर किया है, ठीक है। तो ये सल्फर हमने यहाँ पर जो गिलकी लग रखी है, ये जो छोटे प्लांट ये वाले, ठीक है, ये इन पर कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा हमने पपीता वपीता भी नहीं किया है। उसके बाद ये छोटे छोटे पौधे हैं, इन पर भी चले गया, क्योंकि इस पर गया है तो ये इन पर गया है तो इस पर भी जाएगा, ठीक है। थोड़ा पीलापन हरा होता है कि नहीं देखना है, और इधर भी जितने टमाटर और लगे हुए हैं, ये चाहे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन पैक है, और इसमें कुछ संभावना नहीं है। इधर जो खाली पड़ी है इसमें कुछ संभावनाएँ होगी, और पपीता वाले में टमाटर बीच में आ जाएंगे। गर्मी में ट्रायल अभी लगेंगे, 15-20 रोज बाद, 20 रोज बाद, 20-25 रोज, यानी 1 अप्रैल को लगाएंगे, अप्रैल मई और जून, जून जुलाई में चालू होते कि नहीं वो देख लेंगे पपीता में, ठीक है। और ये भिंडी वाला हो गया आपका सल्फर का, तो सल्फर का ये प्रयोग से पता चल जाएगा, 15 रोज बाद देखेंगे।